दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच पैदा हुई कड़वाहट का खामियाजा अब उन लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो कि दोनों देशों के बीच दोस्ती का फरमान दे रहे हैं। इस संबंध में अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के सचिव हवा सिंह तवर का कहना है कि दोनों देशों के बीच पैदा हुए मतभेद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और बर्नी ट्रस्ट के मुखी अंसार बर्नी को भारत का वीजा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन दोनों देशों के बीच स्थिति गंभीर होती जा रही है। हवा सिंह का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बातचीत के जरिए हालात सुधर जाएंगे। अमृतसर से अमन माहल के साथ कैमरामैन हरजीत गरेवाल की रिपोर्ट। मैंने अभी बताया कि जैसे इंडो पाक का जो बॉर्डर के ऊपर या पिछले एक महीने से लगातार जो टसल चल रही है उसी टसल का नतीजा ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरी परसों से बात हुई थी तो कह रहे थे मेरे को अभी तक वीजा मिला नहीं है, रिफ्यूज भी नहीं हुआ है लेकिन वीज़ा नहीं मिला। उसका रीज़न हो सकता है कि जैसे मैं वो लगातार करते कि पाकिस्तान के मीडिया में भी ये बात चल रही है कि इंडो पाक के बीच एटॉमिक मतलब लड़ाई हो सकती है, तो ये हमारे देश के लिए ही नहीं पाकिस्तान के लिए नहीं, अगर ऐसा फ्यूचर में अगर हुआ कभी तो 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी नष्ट हो जाएगी और पूरी की पूरी अगली जनरेशन मतलब ख़त्म होने के चांस हैं। इसलिए हम तो कभी ये नहीं चाहेंगे और ना ही हमारी संस्था का तो ये प्रयास है कि हम तो यून में भी इस मुद्दे को उठाएंगे।